to my YouTube channel. I am Dhimanna and I got selected in BSF through SSC GT 2021. So आप लोगों का बहुत सारा कमेंट था कि मैं BSF पे वीडियो बनाऊं और मतलब इसकी जॉब प्रोफाइल बताऊं. तो जॉब प्रोफाइल तो मैं बता दूंगी, जो कैजुअली मतलब जिसमें सब कुछ आ जाएगा कि लीव कितना होता है, ट्रेनिंग कितने मंथ की होती है, ट्रेनिंग सेंटर्स कहाँ हैं गर्ल्स की और मतलब वगैरह वगैरह, उसमें सब कुछ मैं बता दूंगी, ठीक है. पर वो तो नॉर्मल है, वो आपको वीडियो यूट्यूब पे भी बहुत सारे अवेलेबल मिल जाएंगे जो नॉर्मल जॉब प्रोफाइल बता देते हैं. पर इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि जो BSF है वो गर्ल्स के लिए क्यों अच्छा नहीं है और मतलब रीज़न क्या होता है कि जो गर्ल्स जो है वो इस जॉब को छोड़ देती हैं, BSF को छोड़ देती हैं मैक्सिमम, ठीक है. और जो मतलब अगर BSF में है भी वो गर्ल्स और ज्वाइन करती है तो उसके पीछे रीज़न क्या होता है. तो ये सभी बातों को मतलब आप ध्यान से सुनना और प्लीज़ नेगेटिव मत लेना या तो डीमोटिवेट मत होना, क्योंकि ये वीडियो का मतलब मोटिव ये नहीं है कि मैं किसी को डीमोटिवेट करूँ, पर एक जो ट्रूथ है वो मैं बताऊँगी ताकि आपका जो कन्फ्यूज़न है, जो आपके कमेंट्स हैं वो कमेंट्स में जो आपके कन्फ्यूज़न दिखते हैं मुझे, तो ये सारे जो है वो कन्फ्यूज़न आपके दूर हों. और इससे पहले मैंने ट्रेनिंग का जो है वीडियो बनाया हुआ है, पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री करके है और तीन पार्ट में है टोटल, और एक पार्ट मैं और अपलोड करूँगी बहुत जल्दी, मतलब एज सून एज पॉसिबल वो लास्ट पार्ट होगा, तो उसको भी आप देखो, ठीक है, ताकि आपको ट्रेनिंग जो होता है वो कैसा होता है और गर्ल्स के लिए मतलब क्या है नहीं है वो सब कुछ है उसमें, ठीक है. तो आप उस वीडियो को देखो, आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो पहले ही मतलब नॉलेज हो जाएगी आपके ट्रेनिंग सेंटर में ज्वाइन करने से पहले. क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया था मतलब, तो मुझे ज्वाइनिंग से पहले बहुत सारी क्यूरियोसिटी उठ रही थी मेरे मन में, मतलब बहुत कुछ जानने की इच्छा हो रही थी और उस टाइम वीडियो अवेलेबल नहीं था गर्ल्स, मतलब मिनिमम गर्ल्स के लिए BSF में तो कोई वीडियो नहीं था BSF के लिए कि BSF क्या है, जॉब प्रोफाइल कैसी होती है, ड्यूटी कैसी करनी होती है, ट्रेनिंग कैसा होता है. पर अभी तो वो चीज़ें अवेलेबल है और मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है, बहुत सारा चीज़ अपलोड किया हुआ है, तो आप देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देखिएगा, आपको ट्रेनिंग की जो वीडियो है वो मिल जाएंगी जो मैंने अपनी ट्रेनिंग की जर्नी शेयर. तो बिना देर किए बढ़ते हैं इस वीडियो में कि आखिर लड़कियां क्यों जॉब छोड़ देती हैं BSF का और ये गर्ल्स के लिए सेफ है या नहीं. तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं एक एक पॉइंट लेकर के उसको डिस्क्राइब भी. इस जॉब को जो छोड़ने का सबसे पहला रीजन मैं बताऊंगी वो है एरिया, ठीक है. तो सबसे पहले आप यहाँ नाम से जानो, नाम क्या है, SSC GD BSF, मतलब आप SSC GD के थ्रू BSF में सिलेक्टेड हुए हो, यानी कि SSC GD का मतलब होता है जनरल ड्यूटी और BSF मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी आपको बॉर्डर पे जो है वो ड्यूटी देनी है और ड्यूटी मैक्सिमम जगह पे 12 घंटे का है, ठीक है. जो नॉर्मल प्लेस होते हैं, नॉर्मल इन्वायरमेंट वाले प्लेस होते हैं, उसमें आपको 12 घंटे की ड्यूटी देनी पड़ती है. तो ड्यूटी का तो मैं बाद में बताऊंगी, अभी मैं एरिया पे बात कर रही हूँ. तो सबसे जो टफ होता है वो एरिया होता है कि आपको किस एरिया पे आपका ड्यूटी करना होता है. तो बॉर्डर एरिया जो होता है काफ़ी शांत इलाका होता है, बहुत ही सन्नाटा होता है, उधर शांति होती है, टाउन से बिल्कुल दूर होता है, ठीक है. जहाँ पे मैं हूँ वहाँ, तो जहाँ पे मैंने ड्यूटी किया है वहाँ पे वो टाउन से बहुत दूर है और बहुत शांति है और ड्यूटी जो आवर है वो बहुत ज़्यादा है. तो ड्यूटी आवर पे भी मैं बात करूँगी, पर लोकेशन जानो कि वो टाउन से बहुत दूर होता है, तो जिसके कारण जो है वो गर्ल्स जो है वो थोड़ा सिक्योर महसूस नहीं करती हैं और उनको थोड़ा टाउन में चहल पहल, जैसे जहाँ पे ज़्यादा पब्लिक दिखे, तो उधर जो होता है बॉर्डर पे पब्लिक एरिया नहीं होता है, इसलिए जो है मैक्सिमम गर्ल्स जॉब छोड़ देती हैं. BSF में जो दूसरा टफेस्ट पॉइंट है वो है ड्यूटी आवर बहुत ही ज़्यादा होती है. 12 घंटे का ड्यूटी होता है, अगर आप मतलब 6-6 घंटे की शिफ्टिंग में होती है, अगर आपका गेट पे ड्यूटी लगा है तो ठीक है, नहीं तो जब पूरे मतलब बॉर्डर पे जाके ड्यूटी करनी होती है तो उसका डिस्टेंस काफ़ी होता है, जहाँ आप रहते हो और बॉर्डर पे जब जाके ड्यूटी करना होता है तो उसका डिस्टेंस काफ़ी होता है और आने जाने में काफ़ी समय लगता है, और जब आप जा रहे हो तो लगभग 10-15 मिनट तो पहले रिलीव करना पड़ता है जो बंदा पहले से ड्यूटी कर रहा है, तो इसलिए आपको थोड़ा पहले भी जाना पड़ेगा और आने जाने में ऐसे टाइम जो है वो लगेगा एक्स्ट्रा टाइम. तो 12 घंटे की ड्यूटी, आने जाने का समय, उसके बाद आपका जो कुछ वहाँ पे बॉर्डर एरिया में कुछ कुछ वर्किंग भी होती है, मतलब आप जहाँ पे रहते हो वहाँ का मेंटेनेंस करना पड़ता है, ठीक है. वहाँ पे मतलब कोई बाहर से नहीं आता मेंटेनेंस करने के लिए, क्योंकि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि वो टाउन एरिया नहीं है, बिल्कुल साइड एरिया है, बॉर्डर एरिया है, तो वहाँ पे मेंटेनेंस भी खुद को ही करनी पड़ती है. तो पूरा दिन का जो शेड्यूल होता है बहुत ही हेक्टिक होता है, बहुत ही मतलब बिजी वाला शेड्यूल होगा, मतलब आप आराम से, वैसा कोई प्रेशर नहीं होगा कि मतलब दिमाग पे बहुत जोर नहीं डालने वाला काम है और दिमाग लड़ाने वाला काम है, ऐसा नहीं है, सब कुछ आराम से ही होगा, पर खुद के लिए थोड़ा समय निकालना बहुत टफ होता है. तो ये है दूसरा रीज़न जो
बहुत सी लड़कियों को या लड़कों को। एंड जो अदर आपके कमेंट्स हैं और भी कमेंट्स हैं कि लड़कियों के लिए सेफ है या नहीं और आखिर क्यों छोड़ देती हैं गर्ल्स, तो मैंने तो कुछ जो बेसिक्स रीजंस हैं वो बता दिए हैं। और जो अदर रीज़न है वो क्या होता है कि जिनके घर पे माहौल बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे से सारी सुख सुविधाएं हैं घर पे उनके, और उनको भी आगे पढ़ने के लिए दिया जा सकता है, उन पर कोई प्रेशर नहीं है, तो वो जॉब छोड़ देती है। और जिन गर्ल्स पे प्रेशर है पहले से ही, उनके ऑलरेडी शादी का प्रेशर है या तो घर का सिचुएशन ठीक नहीं है, स्थिति ठीक नहीं है, फाइनेंशियल हेल्थ ठीक नहीं है, तो वो गर्ल्स करती ही करती हैं। और बॉयज़ का तो एक बार ज्वाइन कर लेते हैं तो उनका छोड़ना थोड़ा इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि बॉयज़ पे लोड बहुत ज़्यादा होता है। मेरा मानना है पर्सनली कि गर्ल्स से ज़्यादा बॉयज़ पे, बॉयज़ के ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वो तो जॉब कम चांसेस है कि वो जॉब छोड़ते हैं, बहुत रेशियो कम है। लड़कियां ज़्यादा जॉब छोड़ती हैं लड़कों के मुताबिक। तो और क्या होता है, लड़के जो है वो हर सिचुएशन में अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं जहाँ पे उनको, मतलब जहाँ पे वो अडेप्ट कर सकते हैं, पर लड़कियों का क्या होता है कहीं कहीं मजबूरी हो जाती है, उन्हें छोड़ना पड़ता है। और क्या होता है फ्यूचर में गर्ल्स का जो होता है फैमिली प्रॉब्लम हो जाता है, फैमिली उनके हस्बैंड जो है वो किसी और चीज़ में काम करते हैं, और अगर वो फोर्स में है तो फिर दिक्कतें आने लगती है, और अलग अलग फोर्स में है तो और भी। हाँ, उन गर्ल्स के लिए ठीक है जिनके हस्बैंड भी BSF में है और गर्ल्स भी BSF में, तो उन गर्ल्स के लिए अच्छा होता है। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो आप कमेंट में मैक्सिमम करते हो कि जो BSF या SSCGD है वो लड़कियों के लिए कैसा है, तो मैं बता दूँ, मैं आप मेरे को कमेंट में दीदी दीदी करके बोलते हो, तो मैं एक आपकी बड़ी बहन होने के नाते आपको मैं बताना चाहूँगी, समझाना चाहती हूँ कि अगर आप अच्छे हो तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। आप देखोगे सेफ्टी के बारे में अगर बात करोगे तो आप बाहर भी सेफ नहीं हो, कहीं पे भी सेफ नहीं हो, और चाहो तो आप अपने घर पे भी सेफ नहीं हो, और सोचो तो आप हर जगह सेफ हो क्योंकि आप अच्छे हो, ठीक है। अगर आप अच्छे हो तो आपको कोई कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, पर बाहर पे क्या होता है कि आज़ादी होती है, हम किसी को एक थप्पड़ मार सकते हैं, या तो घर पे कंप्लेन कर सकते हैं, घर पे बता सकते हैं, तो ये थोड़ी सी डिफरेंस हो जाती है डिफेंस लाइफ में और एक सिविल लाइफ में। तो आपको बस समझना ये है कि बिना आपकी सहमति से कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो आप हर जगह पे सेफ हो अगर आप अपने से मतलब रखते हो, अपनी ड्यूटी करने से मतलब रखते हो, और किसी से ज़्यादा कोई मतलब नहीं रखना है। आप अपनी ड्यूटी से मतलब रखो और अपने पर्सनल कामों से मतलब रखो, ठीक है। ये तो जो पर्सनल बेसिक चीज़ें जो मम्मी पापा बताते हैं वही चीज़ आपको फॉलो करना है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आ गई होंगी। जब हमसे हमारे घर के भी बड़े जो ऑलरेडी डिफेंस में हैं वो हमें जब बोलते हैं कि मतलब नहीं कुछ और ट्राई कर लो, कुछ और जॉब कर लो, डिफेंस गर्ल्स के लिए सुटेबल नहीं है, तो वो क्या होता है कि वो एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं, वहाँ के एनवायरमेंट देख चुके होते हैं, वहाँ के टफेस्ट सिचुएशन को देख चुके होते हैं, इसलिए वो हमसे कहते हैं। लेकिन आप ज्वाइन करो, जाके देखो, अगर आप मतलब किसी के सजेशन से जितना नहीं समझोगे उतने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से समझोगे, तो समझो जा करके, और ज्वाइन करना है तो करो, और मतलब अच्छे से एनालाइज करके करो, और एक्सपीरियंस भी जॉब को करना चाहते हो तो करो, क्योंकि एक्सपीरियंस जो सिखाता है वो और कोई नहीं सिखा सकता, ठीक है। और बहुत सारे आपको सीखने को नई नई चीज़ें मिलेगी, आप नई नई चीज़ों को जानोगे, लोगों को जानोगे, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। तो मेरे इस वीडियो का मकसद ये नहीं था कि मैं आपको डीमोटिवेट करूं कि आपने अगर फर्स्ट प्रेफरेंस BSF रखा हुआ है तो ये आपके लिए मतलब आप इसको ज्वाइन मत करो, नहीं करो जा करके, आप करो देखो, अगर आपके क्या बोलते हैं आपके इन्वायरमेंट को आपके वाइफ को मैच करता है तो आप उसमें रहो, नहीं तो आप एक टाइम तक अपने पैसे अर्न करके सेविंग्स करके उसके बाद फ्यूचर में जाके छोड़ देना। तो सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। बाकी ऐसे और भी चीज़ें, कुछ नेगेटिव भी है तो कुछ पॉजिटिव भी है, जैसे गेम्स में जो बच्चे हैं जो ऑलरेडी गेम खेलते हैं तो उनके लिए BSF बहुत अच्छा है, क्योंकि ये गेम के लिए मतलब यहाँ से गेम में बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट होकर के जाते हैं तो उनके लिए अच्छा है। उसके बाद फिर और मतलब बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव भी बातें हैं, मैं इसमें आगे जा करके आपके वीडियो अपलोड कर दूंगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे शॉर्ट्स में भी देखना, जो BSF में मतलब सिलेक्शन होने के बाद ड्यूटी में जब आपको रहने के लिए मिलता है वो कैसा होता है, मैं वो भी शॉर्ट्स में अपलोड कर दूंगी, तो वहाँ पे आप जाके शॉर्ट्स भी चेक कर लेना। पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जो भी आने वाला इंपॉर्टेंट वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अगेन मैं बता रही हूँ कि मैंने किसी को डिमोटिवेट करने के लिए वीडियो नहीं बनाया है, बस मैंने आपकी एक बड़ी सिस्टर होने के नाते, जैसे आपने मेरे को कमेंट करके बहुत पूछा है गर्ल्स का बहुत ये डाउट है,
तो ये बस आपका क्लियर हो जाए कि क्या रीज़न होता है आखिर जो ऐसी बातें सर सारे करते हैं, ठीक है। तो बस आपका आई होप क्लियर हो गया हो। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।